और इधर मध्य प्रदेश में एनएल सिंह कंसाना ने मंत्री बनने के बाद आज मंत्रालय में चार्ज लिया। पीएचई मंत्री एनएल सिंह कंसाना ने कहा कि हर गांव में हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचाने की उनकी प्राथमिकता रहेगी। हमारे संवाददाता सुधीर दंडूतिया ने उनसे खास बातचीत की। मध्य प्रदेश सरकार के पीएचई मंत्री एदल सिंह कंसाना ने अपना पदभार ग्रहण किया है और विभाग को लेकर क्या कुछ भविष्य में प्राथमिकता है, कैसे काम करना है, सीधे एदल सिंह कंसाना से बात करते हैं। हमारे साथ में जुड़े हैं सर, चार्ज लेने के बाद सबसे पहले तो बधाई आपको, और क्या पीएचई डिपार्टमेंट काफी कुछ करने के लिए है, क्या मन में विजन, क्या सोच रखा है? देखिए, पीएचई डिपार्टमेंट बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। मैं आपको चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की जनता को कि माननीय मोदी जी का जो मिशन है 2024, उस तक हम हर घर तक नल, हर घर को नल के द्वारा पानी उपलब्ध कराएंगे और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएंगे। सर, एक बड़ी चुनौती रहती है क्योंकि नल जल योजनाओं की बात करें ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, सबसे ज़्यादा हम लोग विधानसभा भी कवर करते हैं, विधायकों के सवाल होते हैं सबसे ज़्यादा कि पीने का पानी उनके क्षेत्र में मुहैया कराए, हर किसी को संतुष्ट करना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है। अब देखो, चैलेंज तो है लेकिन हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है और हम हर व्यक्ति को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। मंत्री बने हैं सर, महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी है, चुनाव में भी जाना है, तो ये क्या सोच के रखा है क्षेत्र के लिए, मुरैना जिले के लिए? सुमावली क्षेत्र की जनता पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो लड़ेगी और विजय प्राप्त होगी और बड़े अच्छे मतों से चुनाव जिता के मुझे पहुंचाएगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। बहुत धन्यवाद एदल सिंह कंसाना, निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी, पीएचई विभाग की जिम्मेदारी एदल सिंह कंसाना को मिली और जैसा कि उन्होंने बताया कि हर घर में, हर गांव के अंदर घर में नल में पानी हो, ये उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल।